राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि व्रत कथा पूरन पूजा विधि और महाशिवरात्रि का महत्व। बंधुओं, महाशिवरात्रि की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, महाशिवरात्रि की व्रत कथा सभी पापों को हरने वाली पुण्य एवं मुक्ति दायिनी कथा है। बंधुओं, महाशिवरात्रि की कथा को सुनने मात्र से हजार अश्वमेघ यज्ञों और 100 राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर में जाएं और भगवान शिव शंकर को गंगा जल मिलाकर जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान को चंदन से तिलक करें, भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं, भगवान को सफेद रंग के और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, भगवान को फल चढ़ाएं और भगवान को धूप दीप से आरती दिखाएं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आरती करें और भगवान को नमस्कार करके मन ही मन जो भी आपकी इच्छा है वह भगवान शिव शंकर भोले बाबा के सामने बोलें। देखना किस प्रकार शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, आरती करने के बाद भगवान शिव को हाथों से आरती दें और ये मंत्र बोलें। कपूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बंधुओं, यदि आप आरती करने के बाद ये मंत्र नहीं बोलते तो आपकी पूजा अधूरी समझी जाएगी, इसलिए इस मंत्र को अवश्य बोलें। बंधुओं, अब मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसको कोई भी शिकार ना मिला और इस तरह उसको शिकार खोजते खोजते रात हो गई। जंगल में ही उसे रात बितानी पड़ी और शिकारी ने क्या किया, एक तालाब के किनारे गया और उसमें से एक जल का लोटा भरा और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बेल पत्र के पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढक चुका था। शिकारी को इस बारे में कुछ भी पता ना था। आराम करने के लिए उसने बेल पत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया से कुछ जल नीचे शिवलिंग पर गिर गया और साथ ही बेल पत्र की पत्तियां भी शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हरिणी को मारने की
जैसे ही कोशिश की वैसे ही कुछ जल और बेलपत्र भगवान शिव पर फिर से गिर पड़े और इस तरह उसके दूसरे पहर की पूजा हो गई। और उस हरिणी ने कहा कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया, हरिणी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ देर बाद एक और हरिणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी उसकी तीसरे पहर की पूजा हो गई, क्योंकि जब उसने तीर चढ़ाया तो उसके हाथों से थोड़ा सा जल फिर से शिवलिंग पर गिरा और बेल पत्र की पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़ी। जाने अनजाने शिकारी से तीसरे पहर की पूजा हो गई। तभी हरिणी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ, मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हरिणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसके बाद तीसरी हरिणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा और फिर से भगवान शिव पर जल चढ़ा और कुछ बेलपत्र गिरे, इससे उसकी फिर से भगवान शिव की पूजा हो गई। हरिणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया, दो हरिणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा, शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापिस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हरिणी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली, उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा दिया, तब फिर उसे जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, इस तरह उसकी चौथे पहर की पूजा भी हो गई। मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन हरिणियों को और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं उन हरिणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण और चारों पहरों की पूजा हो गई और ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार आ पहुंचा ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूरी करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी के मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक में पहुंचे। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनके अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनात्
मोक्ष्यमामृताम्।